नमस्कार, मैं शुभम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन रखने वाले युवाओं के नेता चिराग पासवान आज झारखंड के गढ़वा में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने रामविलास पासवान के प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने रामविलास पासवान को लेकर बहुत बड़ी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान के अस्तित्व को खत्म करने की खूब कोशिश की गई, रामविलास पासवान के नाम को मिटा देने की खूब कोशिश की गई, लेकिन किसी की कोशिश काम नहीं आई, क्योंकि ना ही रामविलास पासवान के खिलाफ कोई मुकदमा हुआ, ना ही कोई अवैध घोटाला हुआ। इस वजह से चिराग पासवान के छवि को नुकसान पहुँचाना इतना आसान नहीं है। और चिराग पासवान ने क्या कहा वो सुनिए। आज आप लोग के बीच आना, जहाँ इतना मेरे लिए एक घर का लड़ा भी है, वही मेरे लिए एक भावुक क्षण भी है। इससे पहले कई ऐसी यादें हैं गढ़वा से जुड़ी हुई, पलामू से जुड़ी हुई, जहाँ मैं अपने पिता के साथ आया करता था। आज ये घर का लड़ा इसलिए है क्योंकि उनकी प्रतिमा का अनावरण करने आया है, पर ये कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब खुद मुझे उनकी प्रतिमा का अनावरण करना पड़ेगा, जिनके साथ उंगली थामकर यहाँ पर आता था बचपन से, जिन्होंने मुझे इस क्षेत्र के बारे में, आप लोगों से जिन्होंने परिचय कराया। मुझे याद है शुरू के दौर की बातें अक्सर पापा बताते थे, कैसे वो साइकिल पर ही पूरा क्षेत्र घूम जाया करते थे। बल्कि यही गढ़वा जी, उन्होंने एक बात उन्होंने बताई, कोई कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के बाद यहीं पर सब लोग यहाँ पर खटिया डालकर यहीं पर सब लोग खुले आसमान के नीचे सोए। ये तमाम बात उन्हीं से सीखी, उन्हीं से जानी, उन्होंने ही आप सब से मेरा वो परिचय कराया। और आज जब हम लोगों के बीच नहीं है, आप लोगों ने सही मायनों में मेरे परिवार का सदस्य बनकर, मेरे पिता तुल्य बनकर, मेरे चाचा चाची भाई बहन बनकर, आप लोगों ने मेरे पिता के जाने के बाद मेरा सहारा बने, मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझे अपना कराया। और इसके लिए मैं धन्यवाद नहीं कहूँगा, परिवार के लोगों को धन्यवाद नहीं कहता, पर हकीकत है पिछले 2-3 साल व्यक्तिगत तौर पर भी मेरे लिए बहुत कठिन रहे। मैंने, मेरी पार्टी ने, मेरे परिवार ने कई उतार चढ़ाव देखे। एक ऐसा समय, एक ऐसा दौर देखा जहाँ अपनों ने ही हम लोगों को धोखा देने का काम किया, पर जब अपनों ने अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से हटाया, तो उस वक्त आप सब सामने आए मेरे परिवार के सदस्य बनकर, और ना सिर्फ आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखा, बल्कि मेरा हाथ पकड़ कर, जैसे मेरे पिता मेरा हाथ पकड़ कर मुझे हर कदम राह से आगे लेकर जाते थे, ऐसे ही आप लोगों ने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे आगे लेकर आने का आप लोगों ने काम किया। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे, उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि कैसे अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने देश को विकास की राह पर ठीक गति से आगे लेकर, जिस मंत्रालय का उनको कार्यभार मिला, हर मंत्रालय के माध्यम से उन्होंने ये प्रयास किया कि कैसे जन कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। आज जब हम लोग वीर बाबा चौहरमल की प्रतिमा के अनावरण के लिए यहाँ पर आए, आज जब हम लोग उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने की कसम यहाँ पर खाते हैं, तो वही वीर बाबा चौहरमल के सिद्धांतों पर चलते हैं, उनके विचारों से सीखते हुए उन्होंने हर वो संभव प्रयास किया जहाँ पे समाज में एकता, भाईचारे के साथ साथ ये समाज कैसे मुख्य धारा के साथ जुड़े, कैसे हमारा क्षेत्र, हमारा प्रदेश मुख्य धारा के साथ जुड़े, उन्होंने वो हर संभव प्रयास किया। आज मुझे गर्व होता है जब मैं अपने युवा साथियों के हाथ में, अपने बुजुर्गों के हाथ में, महिलाओं के हाथ में जब ये मोबाइल फोन देखता हूँ। मुझे याद है जब मेरे नेता, मेरे पिता संचार मंत्री थे, उस वक्त नया नया मोबाइल फोन को लाने की चर्चा हो रही थी। तो जैसा कि आपने सुना कि आज झारखंड के गढ़वा में, जहां पर चिराग पासवान मौजूद थे और लोगों से रूबरू होते हुए उन्होंने रामविलास पासवान को लेकर साफ तौर पर कह दिया
कि रामविलास पासवान लोगों के दिल में बसते हैं, जहन में बसते हैं, उन्हें मिटाना इतना आसान नहीं है। और चिराग पासवान ने ये कह दिया कि मेरा अस्तित्व भी रामविलास पासवान से ही है, जनता उन्हें कितना प्यार करती है ये जनता खुद ही जानती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।